कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा, स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नवी मुंबई के पनवेल में फिल्म अभिनेता सलमान खान के अर्पिता फार्म हाउस में घुसने वाले दो लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नवी मुंबई के पनवेल के वाजे स्थित फिल्म अभिनेता सलमान खान के अर्पिता फार्म हाउस में घुसने की कोशिश करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ पनवेल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक 4 जनवरी को लगभग 4 बजे के आसपास दो लोग बिना किसी अनुमति के फिल्म अभिनेता सलमान खान के अर्पिता फार्म हाउस के मुख्य द्वार के बाईं ओर बाउंड्री से सटे एक पेड़ के जरिए फार्म हाउस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान सुरक्षा गार्ड की नज़र पड़ी और इन दोनों को जब फार्म हाउस के अंदर घुसने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस मामले की सूचना पुलिस को भी दिए जाने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के नाम राजेश कुमार गिल और गुरु सेवक है। पूछताछ के दौरान दोनों के पंजाब और राजस्थान से होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और सलमान खान के फार्म हाउस में घुसने के उनके मंसूबे का पता लगाने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। इन सब के बीच पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड मिलने के चलते दोनों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामला गंभीर है और पुलिस हर पहलू से इसकी जांच कर रही है।